राम राम। नमस्कार सभी दोस्तों को, सभी दर्शक साथियों को। आज हमारे साथ में जिला परिषद वार्ड नंबर 1 से भावी उम्मीदवार भाई नीटू सैमन जी हमारे साथ बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी भाई साहब। राम राम भाई साहब। अपना पूरा नाम पहले दो, दर्शक साथियों को नाम बता दो। राजेश उर्फ नीटू सुवाच, गांव सैमन। तो नीटू भाई ने तैयारी की है, जिला परिषद का जैसे ही चुनाव आता है तो उम्मीदवारी शायद ये घोषित कर लेंगे। तो नीटू भाई, आपका जो प्रोफेशनल काम क्या है? भाई हम किसान हुई है। आप किसान है? हाँ। एक किसान होते हुए आपके मन में कैसे आया कि आपको राजनीति में उतर जाना चाहिए? देखो, राजनीति का तो मेरे को ज़्यादा ज्ञान है नहीं। मैंने देखा गांव में जो नौजवान बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, वह नशा की तरफ जान लाग रहे हैं। उसमें कमी कुछ हमारी भी रही है, समाज की भी रही है, मम्मी पापा की भी रही है। और जो पीने के पानी की जो दिक्कत हर गांव में है, हर साल हर 5 साल के बाद कोई भी नेता आता है, MLA का इलेक्शन है, MP का है, तो झूठ बोल के जावे हैं ये समाधान हो जाएगा, वो समाधान हो जाएगा, कुछ होना जाना कुछ नहीं। मैं तो नहीं चाहूँ, अगर दिलते हैं लोगों की सेवा करूँ। मेरे पर कोई भी गलती हुई है उसका पश्चाताप मैं सबकी सेवा करके करूँ। तो नीटू भाई, जैसे पूछना चाहता हूँ, आपकी जो एजुकेशन क्या रही है? मैं ग्रेजुएशन BA पास हूँ। अच्छा। तो जहाँ जहाँ आप देखते हैं लगातार ग्रामीण इलाकों में तकरीबन समस्याएं खड़ी हो रही हैं, आज के दिन हर गांव में एक पानी की समस्या है कि जहाँ लगभग मेरे ख्याल से हर गांव में चौथाई आधा हिस्सा बगैर बुआई के जमीन है जहाँ पानी खड़ा हुआ है। तो क्या आप इसको लेकर कहीं नेताओं से या कई जो अधिकारियों से मिले? कई बार मिले हैं। और मैं आपको बता दूँ, मैं मेरे गाँव ने एक कमेटी बनाया, उसका मेम्बर बना रखा हूँ। और मेरे गांव में जो समस्या थी उसके लिए मैंने लगातार प्रयास करे हैं। 2 मोटर लगा रखी हैं गांव में जो पानी की निकासी के लिए स्पेशल लेकर रख रखी हैं। और पानी की समस्या, जैसे पीने के पानी की जो समस्या है, उसका निपटारा मैंने जाके देखने की ज़रूरत है। सामान गांव में हर 200 मीटर पर पानी की टंकी बनवा रखी हैं। किसी भी लेडीज को पानी के लिए कोई अपने आप को मतलब दुखी नहीं करना पड़ेगा। लगभग हर गली पर पानी की टंकी बनवा रखी है मेरे गांव में, देखने की, ये एक बार आपको देखना भी चाहिए। बिल्कुल। ये जो बनवाई गई है क्या पंचायत की तरफ से बनवाई गई? नहीं नहीं, ये कमेटी बना रखी है। अच्छा, और अच्छा। पूरे गांव का इसमें योगदान है। और जो जोड़ हैं वो मछली पालन के लिए हमने दे रखे हैं, और पूरे गांव ने इसमें सहयोग कर रखा है। पंचायत से अलग ये कमेटी है, उसमें जो भी हमारे पास जो ठेका आता है मछलियों का, उससे ही हमने ये काम करवाए हैं। नीटू भाई, मैं बताना चाहूँगा कि आप जैसे सैमन गांव से आते हो, बहुत शायद बड़ा ही गांव है, और उसी तरीके से आपके वार्ड में जो भी गांव लगते हैं उसमें राजनीतिक और रसूखदार लोग भी हैं जो उम्मीदवारी के लिए आएंगे। अपने आप को आप कहाँ देखोगे? एक किसान का बेटा क्या उस मुकाबले को करने में सक्षम हो पाएगा? बिल्कुल भाई साहब, देखो पैसे वाले भी बहुत हैं, झूठे भी बहुत हैं, अच्छे आदमी भी बहुत हैं। मैं तो अपने आप को साबित करना चाहता हूँ कि मैं उनके लिए कुछ करके दिखाऊं। तो नीटू भाई, जैसे आपके जो जो क्षेत्र है, जो वार्ड का है, वार्ड नंबर 1 का जो क्षेत्र है, उसमें कितने गांव लगते हैं टोटल? 8 गांव लगते हैं। 8 गांव लगते हैं। क्या आप लगभग गांव में जा चुके हो? सभी गांव में जा चुके हूँ। तो किस प्रकार का लोगों में माहौल देखने को मिल रहा है? आप अपने नजदीकियों के पास गए हैं, लोगों का इतना प्यार प्रेम जो मेरे को मिल रहा है, मेरे को नहीं लगता इतना प्यार प्रेम और किसी को भी मिलता हुआ। अच्छा, जैसे आपका गांव है तो बड़ा गांव है, बड़ा गांव को देखते हुए गांव में समस्याएं होती हैं लगातार, तो आपका उद्देश्य क्या रहेगा आगे चलकर? भविष्य में अगर आपको जनता चुनकर भेजती है तो मुख्य उद्देश्य आपका क्या रहेगा? देखो, किसी भी गाँव में आज जाके देखोगे पानी की बड़ी किल्लत है, पीने के पानी की। मैं वायदा करता हूँ, अगर मेरे को लोग बनाते हैं, चुन के मेरे को भेजते हैं, तो पानी की समस्या किसी भी गांव में नहीं रहेगी।
पानी की समस्या है, जैसे गलियों में है कीचड़ भरा हुआ होता है, इस तरह की समस्या है, जैसे खेल की समस्या है, खेल का सामान का खिलाड़ियों के पास अभाव रहता है और उनको पूरा सहयोग नहीं मिल पाता। आसपास के क्षेत्र में ऐसी कोई जगह भी नहीं है जहाँ खिलाड़ियों को व्यवस्था से ट्रेनिंग मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जैसे किसी पार्टी के लेवल से आप राजनीति में आना चाहते हो या अपने लेवल से राजनीति में उतरना चाहते हो? देखो, मैं किसी पार्टी को नहीं मानता, मैं तो अपने आप को ही पार्टी मानता हूँ और अपने आप को ही मैं साबित करके दिखाऊंगा। तो हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी नीटू भाई, लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति जैसे अब किस दौर पे पहुंच चुकी है तो आम आदमी के लिए कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन ये जो आपने हौसला दिखाया है चुनाव लड़ने के लिए, मैं तैयारी कर रहा हूँ, अभी तो कोर्ट की तारीख भी नज़दीक नहीं है, आप तैयारियाँ किस प्रकार से चलेंगी जब तारीख भी नहीं आई है? मैं तो देखो भाई साहब, मैं आपको ये बात बता दूँ, मैं राजनीति नहीं करता, मैं तो लोगों के साथ मिलता हूँ, उनकी समस्याएँ सुनता हूँ, और जो पार्षद बनना तो आगे की बात है, अब फिलहाल भी मेरे से जो उनके लिए हो पाता है, उनके लिए खिलाड़ी हो, महिलाएं हो, चाहे सत्संग भवन की बात है, कोई भी बात है, कोई भी फील्ड है, मैं उसमें उनका लगभग निपटारा करने की सोचता हूँ। तो बड़ी अच्छी बात है कि नीटू भाई एक किसान पुत्र जो इबकी बार वार्ड नंबर एक से अपनी दावेदारी पेश करेंगे, चाहे चुनाव को कितना ही समय दूर हो, अथक प्रयास इनके जारी रहेंगे। हमारे को अपना समय दिया नीटू भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम, जय भारत।